जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन यानी कि रानी मुखर्जी की। बॉलीवुड के सुपरस्टार रानी मुखर्जी अपने हर कैरेक्टर को पर्दे पर जीवंत कर देती थी, फिर चाहे खंडाला गर्ल हो या फिर मर्दानी के इंस्पेक्टर। रानी ने अपने शानदार अभिनय से अपने हर किरदार को लोगों के सामने जिंदा दिखाया। लेकिन रानी मुखर्जी की इतनी अच्छी एक्टिंग को देखते हुए क्या आप पहचान पाए कि रानी मुखर्जी तो कभी फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उन्हें फिल्मों में कदम रखना पड़ा। आज के वीडियो में जानेंगे रानी मुखर्जी के जीवन के बारे में और भी ऐसी कई बातें जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रानी मुखर्जी एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जिन्होंने हर तरह के किरदार पर्दे पर अदा किए, चाहे कॉमेडी हो, गूंगी बहरी लड़की हो या फिर एक बेबाक इंस्पेक्टर। रानी मुखर्जी ने अपनी अदाकारी से सभी कैरेक्टर को बखूबी निभाया। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी एक बहुत ही अच्छी डांसर भी रही। बॉलीवुड में एक लंबे समय तक रानी मुखर्जी ने राज किया, लेकिन एक समय था जब वो फिल्मों में नहीं आना चाहती थी और जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो काफी समय तक साइड रोल ही करती रहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिसका सपना हर एक्ट्रेस देखा करती है। रानी मुखर्जी का जन्म होता है 31 मार्च 1978 को महाराष्ट्र के मुंबई के एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले बंगाली परिवार में। उनके पिता राम मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर रहे और मां कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगिंग। इनके भाई राजा मुखर्जी एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और उनकी मां से देवश्री राय नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। वहीं हम आपको बता दें कि मशहूर एक्ट्रेस काजोल रिश्ते में रानी मुखर्जी की सगी चचेरी सिस्टर लगती है। रानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जन्म के बाद रानी किसी और बच्चे के साथ बदल गई थी, लेकिन उनकी मां को यह पता चल गया और उन्होंने अस्पताल के हर कमरे में खुद ही चेक किया और अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। रानी मुखर्जी का कॉलेज और स्कूल मुंबई के जुहू से ही पूरा हुआ। पढ़ाई के साथ साथ रानी ने डांस सीखना भी शुरू किया। अब क्योंकि रानी एक फिल्मी बैकग्राउंड से थी, इसका असर रानी के जीवन पर 14 साल की उम्र में ही पड़ गया और पिता द्वारा डायरेक्टेड एक फिल्म बीआर फूल में रानी को एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। इसके बाद 1997 में रानी को उनकी पहली हिंदी फिल्म मिली, राजा की आएगी बारात। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर और रानी के पिता दोस्त थे और सलीम के बदौलत ही रानी को इस फिल्म में लिया गया। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रानी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस कॉलेज आ गई। इसके बाद रानी मुखर्जी को फिल्म मिले गुलाम, जो कि मेन विक्रम भट्ट के द्वारा डायरेक्ट की गई और इस फिल्म में रानी के ऑपोजिट आमिर खान रहे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इस फिल्म के गाने आती क्या खंडाला ने बेहद ही लोकप्रियता हासिल की और रानी को खंडाला गर्ल के नाम से मशहूर कर दिया। इसी साल रानी मुखर्जी की फिल्म आई कुछ कुछ होता है, जो कि करण जौहर द्वारा डायरेक्टेड थी और इस फिल्म में रानी मुखर्जी की पहचान को बॉलीवुड में पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में तो नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग और उनके रोल ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म ने रानी को रातों रात स्टार बना दिया और बॉलीवुड में लोकप्रिय हीरोइन में रानी का नाम शुमार हो गया। हालांकि ये रोल रानी को शाहरुख और आदित्य चोपड़ा के कहने पर मिला, लेकिन रानी ने भी किसी को हताश नहीं किया और अपनी एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना दिया। इस फिल्म के बाद रानी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 2000 में रानी ने बादल, बिच्छू, हे राम, हर दिल जो प्यार करेगा और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन सभी फिल्मों में रानी मुखर्जी को उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए सराहा गया। 2001 में रानी ने चोरी चोरी चुपके चुपके, बस इतना सा ख्वाब है और नायक जैसी फिल्मों में काम किया जिनमें नायक बहुत सफल रहे। 2002 में शाद अली द्वारा डायरेक्टेड की गई फिल्म साथिया आई। इस फिल्म ने रिलीज होते ही सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये फिल्म रानी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनका करियर एक बार फिर से सफलता के शिखर पर आ गया।
साथिया में अच्छे प्रदर्शन के लिए रानी मुखर्जी को उस साल के क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 2003 में रानी ने शाहरुख खान के साथ चलते चलते फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही और दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। इसके बाद 2004 में आई युवा, हम तुम और वीर जारा, इन सभी फिल्मों में रानी के रोल को बहुत पसंद किया गया। फिल्म युवा के लिए रानी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 2005 और 2006 के दौरान रानी की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें ब्लैक, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना फिल्मों में उनके अभिनय की सबसे ज्यादा तारीफ की गई, खासकर ब्लैक में एक अंधी और गूंगी लड़की का किरदार निभाकर रानी मुखर्जी ने साबित कर दिया कि वह सच में बॉलीवुड की क्वीन है। इसके बाद भी रानी मुखर्जी ने कई सफल फिल्में दी, जिसमें नो वन किल्ड जेसिका, मर्दानी, तलाश, हिचकी और मर्दानी 2 उनकी बेहद सफल फिल्में रहीं। इन सभी फिल्मों में रानी ने प्रमुख भूमिका निभाई और सभी फिल्में महिला प्रधान फिल्में थीं, जिनमें रानी मुखर्जी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। रानी ने इन फिल्मों में न सिर्फ दर्शकों को बल्कि क्रिटिक्स को भी मंत्रमुग्ध कर दिया और बॉक्स ऑफिस के साथ साथ सभी तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। मार्च 2023 में रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे रिलीज हुई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी के किरदार की बहुत तारीफ हुई। यह फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी और रानी मुखर्जी ने एक मां के रोल को बखूबी निभाया। अगर रानी मुखर्जी के आने वाली फिल्मों की बात करें तो यशराज फिल्म्स के बैनर तले रानी मुखर्जी की कुछ फिल्मों पर काम चल रहा है। मर्दानी फिल्म की सीरीज में अगली मर्दानी 3 भी चर्चा में है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक महिला ACP का किरदार निभाया। दोनों ही फिल्मों में रानी मुखर्जी के किरदार को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म की अगली सीरीज के बारे में रानी का कहना है कि मैं मर्दानी 3 में जरूर काम करना चाहूंगी, लेकिन सब कुछ स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हुई तो मैं इस फिल्म को हाथ से जाने नहीं दूंगी। रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों के ही अवार्ड दिए गए और एक ही वर्ष में ये दोनों अवार्ड जीतने वाली रानी एकमात्र अभिनेत्री बन गई। रानी मुखर्जी को अब तक 17 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिसमें से उन्होंने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इसके अलावा रानी मुखर्जी ने जी सिने अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स भी अपने नाम किए। रानी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रानी मुखर्जी फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि घर में पहले से ही कई एक्ट्रेसेस थी, मैं कुछ और अलग करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तब मुझे एक ऑफर आया तो माँ ने कहा, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, अगर सब सही नहीं रहा तो तुम फिर से अपनी पढ़ाई जारी कर सकती हो। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुझे बॉलीवुड में कदम रखना पड़ा। हालांकि रानी ने यह भी कहा कि अब उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से प्यार हो गया है। रानी ने यह भी बताया कि अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो इंजीनियर या फैशन डिजाइनर होती। एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड पर एक तरफ राज करने वाली रानी मुखर्जी आज भी अपनी फिल्मों से टहलका मचा देती है। आज भी जब रानी मुखर्जी की कोई फिल्म आती है तो सब तरफ उसकी चर्चा होने लगती है। रानी मुखर्जी ने अपनी कड़ी मेहनत और अच्छे अभिनय के दम पर बॉलीवुड में यह मुकाम हासिल किया जो किसी और हीरोइन को आज तक नहीं मिल पाया। रानी एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और भले ही अब कम फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन अपने अभिनय के लिए आज भी पहचानी जाती है। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें